The all-new Vootkids app brings you over 200 plus tunes to watch. वेलकम डॉक्टर अर्थक्वेक, कार तैयार है। हेलो डॉक्टर अर्थक्वेक, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। सब तैयारी हो चुकी है। शाबाश रंगा, वेदा सिटी को नींद से जगाने का समय आ गया है। डॉक्टर अर्थक्वेक के भूकंप से सारा शहर दहल जाएगा। पर बॉस, वेदा सिटी को झटके देने से आपका क्या फायदा होगा? फायदा? मेरा तो फायदा ही फायदा है। इस मशीन में सिर्फ इतनी पावर है कि एक शहर को भूकंप से हिला सके। मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ जिससे किसी भी देश को मैं भूकंप से हिला सकूं। फिर हर तरफ मेरा ही राज होगा। हर देश को भूकंप से डरा डरा के मैं वहां राज करूंगा। मैं जो चाहूंगा वो हासिल करूंगा। उसके लिए मुझे एक ऐसे शहर की जरूरत है जहाँ समुंदर का खारा पानी भी हो तो नदी का मीठा पानी भी, पहाड़ भी हो तो मैदान भी। और ऐसी जगह वेदा सिटी है। बस यूं समझो, वेदा सिटी पर आज इसका ट्रायल है। अगर ये ट्रायल सफल हो गया तो आप यहाँ के लोगों को भूकंप के झटके दे देकर शहर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, ताकि हम इस शहर पर कब्जा करके आपकी वो मशीन बना सकें जिससे किसी भी देश में भूकंप आ सके। यस यस, यू आर राइट। इस मशीन को चलाने के लिए जो जनरेटर है उसके लिए बहुत पेट्रोल चाहिए। जाओ, शहर में जब तबाही मच रही होगी तब एक पेट्रोल टैंकर चुरा के ले आओ। नाउ लेट द शो बिगिन। चलो देखते हैं टीवी पर इसकी कोई न्यूज आ रही है क्या। अभी अभी पूरे वेदास सिटी में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। इतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आज से पहले कभी हमारे शहर में नहीं आया। इत्तेफाक से डॉक्टर अर्थक्वेक, जो कि भूकंप के विशेषज्ञ माने जाते हैं, हमारे शहर में थे। वो इस समय हमारे साथ हैं। वो बताएंगे इस भूकंप का राज। ये क्या क्लाइमेट चेंज का असर है या फिर और कुछ? सर प्लीज बताइए। थैंक यू। वेदा सिटी में ये जो अर्थक्वेक आया है, इसके पीछे यहाँ की ज्वालामुखी का हाथ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि ज्वालामुखी फटने वाला हो। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत विनाशकारी होगा। कोई नहीं बचेगा। इस हालात में पूरे शहर को खाली करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हैं?
पूरा शहर खाली करना होगा। यस, पूरा शहर खाली करना होगा और फिर अगले एक दो साल तक यहाँ रहना सेफ नहीं होगा, क्योंकि एक बार ज्वालामुखी जागता है तो साल भर ये बार बार फटेगा और भूकंप आएंगे। जल्द सबको ये शहर छोड़ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं भी जितनी जल्दी होगा इस शहर से निकल जाऊंगा। तो देखा आपने क्या है भूकंप की वजह। आज शाम 8 बजे देखना न भूलें हमारा खास प्रोग्राम भूकंप का राज। 8 बजे तक हमारा टीवी स्टेशन बचेगा, तभी प्रोग्राम दिखाओगे ना? फ्रेंड्स, चलो हम सब एक राउंड लगाकर शहर की हालत देखते हैं। ओ चोर, मेरा टैंकर ले गए, पकड़ो। वेदास बैंक वाले रोड पर जल्दी से आ जाइए, कुछ लोग पेट्रोल टैंक चोरी करके भाग रहे हैं। ए बच्चे, क्यों हमारे पीछे पड़े हो? बच्चा नहीं कहना। शिवा, शिवा नाम है मेरा। अरे शिवा, मैं तुम्हारे साइड से हूँ, मुझे क्यों पीट रहे हो? देखा शिवा, मुझे देखते ही गुंडे भाग गए। अरे ऐसे गुंडों से निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा शिवा, मैं चलता हूँ, कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ओके, चलो बाय। ओके सर, थैंक यू फॉर द हेल्प। वेट, मैं एक सेल्फी ले लूं। ये देखो इसे, ऐसे समय में इसको फोटो खींचने का शौक चढ़ गया। उसमें क्या है, पहली बार मैंने ज्वालामुखी से गिरा हुआ पत्थर देखा है, फोटो तो बनती है। ठीक है, पर संभल कर, रॉक गरम होगा। ये पत्थर तो कुछ भी नहीं है, गांव में मैं तो जलते चूल्हे से कोयला हाथ से निकाल लेता हूँ। तुम्हारी सेल्फी हो गई हो तो अब चले। हाँ हाँ, चलो। रीवा, वो देखो, वोल्केनो से धुआं निकल रहा है। ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई नेचुरल कलामिटी आने वाली होती है, सबसे पहले एनिमल्स को पता चलता है, पर यहाँ तो बर्ड्स, डॉगी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। जाने दो शिवा, तुम ये देखो, फोन पे अर्थक्वेक के कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। वेट रीवा। यो शिवा, क्या हुआ? यस, मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। जल्दी लड्डू सिंह जी के पास चलो। पर शिवा, हुआ क्या, कुछ तो बताओ। अभी जल्दी चलो, वहाँ पर बताता हूँ। क्या कह रहे हो शिवा? पूरे वेदास सिटी में अर्थक्वेक की वजह से इतना नुकसान हुआ है और तुम बोल रहे हो कि सब नकली है?
हाँ, वोल्केनो ब्लास्ट और भूकंप नकली है, बोला। ये सब नकली है, आई हैव अ प्रूफ। ये वीडियो देखिए, देखिए ये हेलीकॉप्टर वोल्केनो के अंदर जा रहा है। आई एम वेरी श्योर कि वोल्केनो के अंदर कुछ तो डाउटफुल है। राइट, बात तो तुम एकदम सही कर रहे हो शिवा। सेकंड प्रूफ, आदि और मैंने एक रॉक को टच किया था, वो बिल्कुल ठंडा था, वो इतना गर्म होना चाहिए कि कोई उसे छू भी ना सके। करेक्ट, चलो चल के देखते हैं। अभी लड्डू का लड्डू, ओहो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो इंस्पेक्टर, तो हमारे ठिकाने तक पहुंच गया है, इसको वापस भेजो अभी, नहीं तो मेरा पूरा प्लान फेल हो सकता है। जल्दी गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। अरे वो देखो पत्थर तो अपनी तरफ चला आ रहा है। अरे गाड़ी घुमाओ, जल्दी चलो। अरे पेड़ आराम, पैदल भागने को नहीं कहा था, मोटरसाइकिल लेकर आओ। आप सब यही रहिए, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि असली माजरा है क्या। वोल्केनो ब्लास्ट, अर्थक्वेक, सब फेक है, यहाँ तमाम लोग अंदर दिख रहे हैं। देख क्या रहे हो? फायर, फायर! उसे खत्म कर दो, वो किसी को फोन पे सब बता रहा है। बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। तो टीवी पे देखा था अंकल, मुझे ये तो पता चल गया कि ये सब नकली है, अब ये भी बता दीजिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं बताता हूँ,
सुन लो, क्योंकि अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। बात है, आप अपनी अर्थक्वेक मशीन के जरिए पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहते हो, उन पे राज करना चाहते हो। लेकिन आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोक सकता है मुझे? मैं हूँ ना, आपको रोकने के लिए मैं ही काफी हूँ। बच्चे, तुम रोकोगे मुझे? What a joke! क्या अंकल, मैंने बोला ना बच्चा नहीं कहना। शिवा, शिवा नाम है मेरा। ए, क्या रहे हो? पकड़ो इसे, मारो। पकड़ो, पकड़ो मुझे अंकल, क्या हुआ? बच्चा नहीं कहना सर, बहुत मारेगा। सर आगे रास्ता बंद है, टनल यही तक है। मेरे पास मत आना, मैं बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट हूँ। तुमको पता नहीं है, मैं अर्थक्वेक ला सकता हूँ, देश हिला सकता हूँ। दूर रहो मुझसे, वरना इस मशीन से ऐसा भूकंप लाऊंगा कि पूरा वेदा शहर खत्म हो जाएगा। अंकल, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। बाहर इंस्पेक्टर लड्डू सिंह जी को सब पता चल गया है कि ये सब फेक है। अब आपके भूकंप से कोई नहीं डरेगा।
अपने आप मेरे साथ चलते हो या फाइट करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा, समझ के रखा है मुझे? मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई फाइटर नहीं। और तुम बच्चों की तरह क्यों नहीं बिहेव करते हैं? बच्चा नहीं कहना सर, बहुत मारेगा। क्या बच्चा नहीं कहना, मेरे सालों की मेहनत का सत्यानाश कर दिया इस बच्चे ने, मेरे सारे सपने तोड़ दिए इस बच्चे ने। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लो इस बच्चे को, मेरे पूरे जीवन की मेहनत को इसने मिट्टी में मिला दिया। मेरा दुनिया में राज करने का सपना इसने तोड़ डाला, इसे उम्र कैद दे दो, इसे जेल में डाल दो। बच्चा बच्चा बच्चा, हजार बार कहूंगा बच्चा, आप बोलो क्या करोगे? यही मेरा बदला है, बार बार बच्चा कहूंगा। अब मार के दिखाओ। बच्चे को बच्चा नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये चीटर है, पहले बच्चा कहा तो खूब पीटा, अब कहता है कि बच्चे को बच्चा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? मुझे इसकी नजरों से दूर ले चलो, मुझे ले चलो। अब चलो जेल में चल के सोचना और बताना कि शिवा के साथ क्या क्या करना है। यू आर अंडर अरेस्ट, चलो। थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच, तुमने एक ऐसे राज का पर्दाफाश कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। टू वॉच मोर, डाउनलोड द ऑल न्यू वुड किड्स ऐप एंड स्टार्ट योर 30-day फ्री ट्रायल टुडे।